हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 2022 का पेपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ओके, प्रीवियस ईयर मतलब 2021 का भी आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, 2021 में कोविड का सिचुएशन चल रहा था, अभी भी एक्चुअली चल रहा है, बट उतना नहीं, ठीक है। तो एग्ज़ाम 2 दिन लिया गया था। ओके, तो दोनों दिन के पेपर आपको सॉल्व किए हुए चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। जाके आप विजिट करके वीडियो देख सकते हो, दोनों ही वीडियो। अगर आपको इस साल का या प्रीवियस ईयर का या उसके भी पहले के प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मिल जाएंगे पेपर, ठीक है, चैनल पे मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब चैनल पे नहीं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको ये नहीं पता टेलीग्राम चैनल पे कैसे ज्वाइन होना है तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ मैं, वहाँ से आप जाके उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो एंड अभी जो लोग इन्हें एग्ज़ाम दिया है उनके लिए सॉल्यूशन जो भी है मैं बता दूँ। ओके, एंड जो लोग बाद में भी वीडियो देखते हो वो भी आप पेपर देख के सॉल्व कर सकते हो पेपर, या प्रिपेयर हो सकते हो, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। जीके के लिए मैं बता दूँ, पेपर इस साल का थोड़ा सा टफ था। ओके, बट अगर आप प्रिपरेशन करके रखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन आते, बट इस साल थोड़ा वो लोग ने काफ़ी न्यू क्वेश्चन एंड मतलब थोड़ा चेंजेस था, ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीटेटिव होते हैं। ओके, अगर आप लोग ने बहुत सारे वीडियोस या पेपर्स अगर आप लोग ने पहले के पेपर्स देखे रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ओके, तो प्लीज़ जीके के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि जीके एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जिससे आपको काफ़ी आप स्कोर कर सकते हो, आपका स्कोर बढ़ सकता है। ओके, एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप बेझिझक कोई भी मतलब अगर आपका आंसर सही है तो सही, गलत है तो गलत है, आपको उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, एंड ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। एंड जो लोग आगे का जो भी शेड्यूल के बारे में जो भी है इस साल का 2022 का, मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो, टाइम आने दो, मैं अपने आप वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। या रिसेंटली कुछ दिन में अगर टाइम नहीं रहेगा मेरे पास तो मैं लाइव करके भी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लूँगा। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एंड प्लीज़ अगर मुझसे कुछ भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या कुछ भी गलती होती है तो उसके लिए सो सॉरी। ओके, अगर मुझसे नहीं होता तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा उसका मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता दूंगा, वो आप समझ के रख सकते हो। ओके, एंड मैंने ऑलमोस्ट एंड हाँ ठीक है, छोड़ो वो सब चीज़, बाकी चीज़ें बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, फिलहाल के लिए पेपर सॉल्व करते एंड डाउनलोड करना रहेगा पेपर, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो इंस्ट्रक्शन क्या है क्या नहीं है वो सब आप लोग को एग्ज़ाम के दिन, आप एग्ज़ाम जब आप दोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। एग्ज़ाम 60 मिनट्स का होता है 40 मार्क्स के लिए। थियरी पेपर सिर्फ एक ही होता है सीईटी एग्ज़ाम में, डबल एसी सीईटी एग्ज़ाम में, ठीक है, जो कि अप्लाइड आर्ट मतलब बीएफए के लिए लिया जाता है एंड बैचलर्स इन डिज़ाइन के लिए लिया जाता है। ओके, तो इसमें 4 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग, 2D डिज़ाइन और थियरी। तो थियरी का जीके होता है जो कि आप लोग को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट ऑन द न्यू करेंसी नोट ऑफ ₹100, ठीक है। तो कुछ आपके सामने ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब के हिसाब से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी। ओके, एंड देख लो मतलब क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन आप याद रखो आंसर, बट देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, फिर दिस कैरेक्टर हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड बाय द फेमस वर्ल्ड डिस्नी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर को डिस्नी ने नहीं वो किया है। ओके, तो उसका आंसर है डी, मिनियंस। ओके, ये एक अलग पार्ट है, ओके, और डिस्नी का पार्ट नहीं है। फिर हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ओके, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, वो किसने बनाया, कौन है उसके स्कल्प्टर। ओके, तो इसका सही आंसर है ए, राम सुतार। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखें तो जो आप लोगो देख रहे हो, ओके, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट है, ओके, मुंबई के मतलब मुंबई में जो एक डिपार्टमेंट है, ओके, ये किससे इंस्पायर है, ये ड्राइंग जो इंस्पायर मतलब जो लोगो आप देख रहे हो, ओके, या जो भी आप ग्राफिक फॉर्म में देख रहे हो, ये किससे इंस्पायर्ड है। तो इसका सही आंसर है सी, अजंता केव से इंस्पायर्ड है। ओके, मतलब अजंता केव्स में कई सारी ऐसे मतलब ड्राइंग्स या
मे बी ऐसा कुछ होगा जिससे इंस्पायर्ड है, आप गूगल करके ये चीज़ देख सकते हो। ओके, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ओके हु आर वी, मतलब जब एवोल्यूशन हुआ था, ओके तो जैसा कि पता है एवोल्यूशन में कई सारे जो मतलब ऑर्गेनिज्म थे वो मतलब विकसित हुए। ओके, विकसित वो वर्ड आप समझ के उसको आप इंग्लिश में उसको एवोल्यूशन बोलते या और कुछ बोलते रहेंगे मुझे पता नहीं, तो इसका सही आंसर है होमो सेपियंस। फिर सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो प्रिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब कितने मतलब विजिबल कलर होते हैं, ओके लाइट वाइट लाइट में, मतलब वाइट लाइट कितने लाइट कलर से होता है बना होता है, ओके तो इसका सही आंसर है ए, सेवन कलर से। ओके, सेवन क्वेश्चन की बात करें तो ये जो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर आप देख रहे हो या जो कि ब्राउन्स मतलब बना हुआ है, ओके इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है बी, शिवा, ठीक है स्पेलिंग करेक्शन है वहाँ पे बट ठीक है चलता है उतना। ओके, फिर द फेमस म्यूज़ियम जो भी है म्यूज़ियम ही है ये कहाँ पे, तो अगर आप लोग को नहीं पता तो ये इसका सही आंसर है सी, पेरिस, ठीक है। मैं आप लोग को इतना डीप नहीं जाऊंगा बार बार क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा एंड काफ़ी बोरिंग होगा, ठीक है मुझे पता है। अभी आप लोग बोलोगे कि अगर आप थोड़ा थोड़ा डीप जाके बताओगे तो हमें और भी चीज़ें पता चलेगी उस चीज़ के बारे में, तो मैं बता दूँ फ़िलहाल के लिए उतना टाइम नहीं है, फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँ तो प्रिपरेशन करो, ठीक है क्वेश्चन आप देखो क्या है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिर उस रिलेटेड आप वो कर सकते हो, ठीक है क्योंकि मैं अगर हर एक क्वेश्चन के पॉइंट अगर आप लोग को एकदम डीप में बताने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा एंड फिर मिस करोगे आप चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप पेपर या बुक लेके रखो, क्वेश्चंस लिख के नोट करके रखो, ओके सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर लिख के रखो, ओके। फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखोगे तो ये पेंटिंग जो आप देख रहे हो, ओके ये किस आर्टिस्ट ने बनाया, ओके मतलब किस आर्टिस्ट का है ये, ठीक है तो इसका सही आंसर है ए, पाब्लो पिकासो, ओके। देखो मोस्टली ना इस बार तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसमें ना पिक इमेज का लोग ने यूज़ किया था एंड उसमें आपको बताना था कि जैसे अभी सेवन क्वेश्चन देखा आपने, ये नाइन्थ क्वेश्चन देखा, फिर फर्स्ट क्वेश्चन भी यही ऐसे ही था, फोर्थ क्वेश्चन भी इनफैक्ट यही था, तो देख लो आप इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा ये मत सोचना कि सिर्फ आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन ही आएगा कि आने का क्वेश्चन रहेगा एंड फिर उसका वो रहेगा, आपको ऐसा इमेज टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ज़रूरी नहीं यही हमेशा पेंटिंग रिलेटेड, कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज के लोगोस भी आ जाएंगे वो भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ओके मुझे पता नहीं बट कौन से तो ईयर में ऐसे बहुत सारे लोगोस कंपनी के लोगोस भी आए थे एंड सिम्बल्स भी आ जाते हैं आपको, ओके ट्रैफिक सिम्बल्स भी ये सब मतलब कुछ भी आ सकता है आपको पता नहीं, लास्ट ईयर के टाइम पर भी अगर आप पेपर दोगे तो वहाँ पर आया था बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ओके। फिर टेंथ क्वेश्चन की बात करें तो फेमस इंडियन कालिदास, ठीक है उसमें से उन्होंने कौन सा प्ले लिखा है, तो इसका सही आंसर मतलब ऑप्शन आपको ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हो कि किसी मतलब राइटर या जो भी है मतलब मुझे नहीं पता किसी भी चीज़ के बारे में आ सकता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताऊँ बट कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है बट ऑलमोस्ट चीज़ें वो आर्ट म्यूज़िक या इस सब रिलेटेड ही रहेगा, ऐसा नहीं कुछ आपको अलग से कुछ एकदम डिफ़िकल्ट अलग पूछ लेंगे, अगर पूछ भी ले तो कोई इशू नहीं आप अटेम्प्ट करो, आपका अटेम्प्ट करने का काम है, सही जाता है गलत जाता है उससे मतलब नहीं है, फिलहाल के लिए आपके सामने जो भी क्वेश्चन अगर नहीं भी आते तो पहले जितने आते वो आप कर लो, जो नहीं आता है छोड़ दो, छोड़ो मत मतलब टिक मार्क मार के छोड़ दो, ठीक है खाली रहने से अच्छा मे बी वो राइट हो जाए, ठीक है एंड राइट हो जाता है तो ठीक है, रॉन्ग हो जाता है तो फिर आपको बाद में तो आंसर मालूम पड़ जाएगा तो आपने कुछ तो नया सीख लिया ना, ये एक नया चीज़ हो जाएगा। फिर इलेवेंथ क्वेश्चन की बात करें तो ये आर्ट फेस्ट जो हुआ था इंडिया में, ठीक है ये कौन से स्टेट में हुआ था, कंटेम्प्रेरी आर्ट फेस्ट, ठीक है मतलब ये एक फेस्ट था आर्ट का तो ये कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही आंसर है डी, कोची में हुआ था, इसके बारे में आप प्लीज़ गूगल करके देख सकते हो, काफ़ी एक मतलब मैंने जब गूगल किया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बट क्योंकि टाइम नहीं रहता है उतना यार सब चीज़ के लिए फ़िलहाल के लिए तो मैंने नहीं पढ़ा बट आप प्लीज़ टाइम देके उस चीज़ को पढ़ सकते हो, ओके। फिर ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये पेंटिंग जो है, ठीक है ये किसकी है, ओके देखो मैं वापस बोल रहा हूँ ऐसे टाइप की इमेजेस क्वेश्चन आपको बहुत आएंगे, तो इस साल तो कुछ ज़्यादा ही लोग ने दे दिया था पता नहीं क्यों, ठीक है तो इसका आंसर सही आंसर है डी, राजा रवि वर्मा, ओके। फिर 13 क्वेश्चन देखा जाए तो द फर्स्ट परमानेंट फोटोग्राफ ऑफ कैमरा इमेज वॉज
मेड इन 1825 बाय, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है, नाम काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ो, आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ए सही आंसर है इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज नॉट इन मुंबई, ओके, तो इसका सही आंसर है ए जंतर मंतर, तो वो दिल्ली में है, ओके। बाकी तीनों अगर देखा जाए, फ्लोरा फाउंटेन, राजाभाई टावर एंड गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ओके। फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये देखो, अभी इसमें ना कुछ नया मतलब आपको दिखेगा, यहाँ पे ना साड़ी के रिलेटेड पूछा है, तो ये जो बालूचारी साड़ी होता है ये कहाँ का है, ओके, तो ये स्पेशलिटी मतलब किस स्टेट की फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर है ए वेस्ट बंगाल, ओके। हर एक स्टेट की ना एक अलग अलग टाइप की सिल्क, जैसे वाराणसी की साड़ियाँ मतलब वो सिल्क टाइप का जो मतलब बोलते ना, ऐसा हर एक जगह का अलग है, वो आप पढ़ सकते हो, ओके। फिर 16 क्वेश्चन की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है, ओके, तो इसका सही आंसर है ए सर APJ अब्दुल कलाम, ओके। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो प्लीज़ मत भूलना, ठीक है, इसका सही आंसर है ये तो पता होगा, ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, ओके। और फिर 17 क्वेश्चन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जो अजंता केव है, ओके, इस पे जो इमेज है, इमेजेस है उस केव में, वो किस पे बेस है, ओके, तो इसका सही आंसर है डी बुद्धिज़्म, वहाँ पे जो इमेजेस बेस है वो बुद्धिज़्म को कल्चरल या जो भी है वो रिप्रेजेंट करता है, ओके। फिर 18th क्वेश्चन की बात करें तो हेलवेटिया तो ओके, प्रोनंसिएशन छोड़ो उसका, ओके, जो भी है वो क्या है, ओके। 18 क्वेश्चन की बात करें तो वो जो वर्ड दिया है वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है, ये आप लोग गैस कर लो अपने हिसाब से जो भी रहेगा, ओके। गैस करने के बाद आप आंसर लिखो, हालांकि मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ इसका क्या है, ठीक है, बट मे बी बहुत लोगों ने इसका गैस किया होगा कि कोई चॉकलेट का नाम हो सकता है या ब्रांड हो सकता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जो डिजिटल ग्राफिक या जिनको फॉन्ट या कैलीग्राफी ये सब में इंटरेस्ट होगा उनको पता होगा ये फॉन्ट है, ओके, तो एक टाइप है फॉन्ट का। फिर उसके बाद 19th क्वेश्चन की बात करें, हु वन इंडियाज इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, तो इसका सही आंसर है बी अभिनव बिंद्रा, ओके। फिर 20th क्वेश्चन की बात करें तो फेमस पीस ऑफ मतलब आर्किटेक्चर जो कि दुनिया भर में ब्यूटी के लिए मशहूर है, ताजमहल, वो क्या है, ओके, तो इसका सही आंसर डी, वो एक तोम है, ओके। पता होगा आप लोग को शाहजहां की वाइफ, ओके, उनका वो तोम है, फिर मेरे को नहीं पता वो तोम फ़िलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो वो एज ए तोम है, बट उसके ऊपर कुछ भी कंट्रोवर्सी उसके बारे हम बात नहीं करते, ओके, एक्चुअली में इस टॉपिक पे हमें बहुत बात करने की ज़रूरत है, बट ठीक है, ऐसा अगर आप जीके की बात करो या स्टडीज़ को बात करो तो प्लीज़ ओपिनियन अपना उस टाइम पर प्लीज़ अपना साइड में रख के इस चीज़ को देखो, ओके। फिर 21st क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये फेमस ग्रह मूर्ति डांडी मार्च स्टैचू लोकेटेड जो मतलब कहाँ पे ये, ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी दिल्ली में, ठीक है। इसमें भी बता दो, हर गांधी जी जो दिखते हैं वो गुजरात से नहीं होते, ठीक है, इमेजेस गुजरात की नहीं होती है, कुछ इमेजेस अलग भी होती है, ये मेरे माइंड में ऐसा था कि हाँ गांधी जी का है तो गुजरात में होगा, बट ठीक है ये दिल्ली में है, ओके। फिर 22 क्वेश्चन देखो, आप इमेजेस देख रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब रिलेट करके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आते मिल जाएंगे, आप बेटा मार लोगे कहीं से भी, बट पैटर्न देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 22 क्वेश्चन की बात करें तो ये पेंटिंग जो दिख रही है आप लोग को, ये किस आर्टिस्ट ने बनाया, तो इसका सही आंसर है सी, ओके। फिर 23rd क्वेश्चन की बात करें, द फिल्म गजगामिनी वॉज मेड बाय फेमस पेंटर, ओके, तो इसका आंसर है MF हुसैन ए, ठीक है। 24th क्वेश्चन की बात करें तो पॉपुलर फिल्म, ठीक है, बुक और पॉपुलर फिल्म दोनों जो कि टाइटल्ड मतलब उसका नाम लस्ट फॉर लाइफ है, ओके, वो किस पर्सन पे लेट मतलब वो बायोग्राफी जो है वो बनी हुई है, ओके, मतलब किसके लाइफ के ऊपर, तो इसका सही आंसर है सी विंसेंट वैन गॉग, ओके। एक बार गूगल कर लो ये सब चीज़ें, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंडियन चीज़ें ही आएंगे, आपको वेस्टर्न आर्टिस्ट या जो भी मतलब अलग अलग वर्ल्ड के ओवरऑल वर्ल्ड के आर्ट के बारे में भी क्वेश्चन आ
सकते हैं आपको। ओके फिर 25th क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट ऑफ दिस फेमस डेविड। ओके अब डेविड मतलब ये स्कल्प्टर जो आप मूर्ति देखोगे अभी आप, ओके जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इसका नाम डेविड है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ईयर अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया, ये जो इमेज है यही आपको साइड में चिपका दिया है, वहाँ पे आपको तीन चार नाम दे दिए, चार ऑप्शन, उसका नाम पूछा है, तो इसका सही आंसर मतलब उसका नाम डेविड दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। ओके तो इसको किस आर्टिस्ट ने बनाया है, आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट, हमें आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसका सही आंसर है डी, माइकल एंजेलियो। ओके फिर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर 26th क्वेश्चन की बात करें। ओके तो 26th क्वेश्चन है, एसो फेबल्स आर मॉरल स्टोरीज विच हैव कैरेक्टर बेस्ड ऑन डैश, मतलब बेस्ड ऑन, ठीक है तो इसका सही आंसर है बी, एनिमल्स एंड बर्ड्स। फिर 27th क्वेश्चन की बात करें, हु क्रिएटेड द फेमस कार्टून बिल्लू, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर के लक्ष्मण। 28th क्वेश्चन है, ओके ये टेंपल जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ग्रुप ऑफ मतलब जो टेंपल्स है ये कहाँ लोकेटेड है, तो इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। 29th क्वेश्चन की बात करें तो ये जो स्टाइल है, ठीक है ग्रेफिटी, ओके ग्रेफिटी इज़ अ फिर उसमें से ऑप्शन आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें से इसका सही आंसर है ए, स्ट्रीट पेंटिंग स्टाइल। ओके 30th क्वेश्चन की बात करें, कलर इज मेजर्ड इन डैश, तो इसका सही आंसर है बी, वेव्स। ओके हालांकि मैंने जब गूगल किया तो वेव लेंथ बता रहा था, बट यहाँ पे वेव्स दिया है तो वेव इसका सही आंसर है। 31st क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर, बोन चाइना रिफर्स टू डैश, तो इसका सही आंसर है ए, सिरामिक। फिर 32nd क्वेश्चन की बात करें तो इसका क्वेश्चन है अवेंजर्स, ठीक है ये फिक्शनल सुपर हीरोज जो कि अमेरिकन कॉमिक बुक्स में पब्लिश हुई है बाय मार्वल कॉमिक्स, तो इसको किसने बनाया था उन कैरेक्टर को, या जो भी ये कॉमिक है उसको पब्लिश किसने किया था, ठीक है तो इसका सही आंसर है स्टैनली। ओके 33rd क्वेश्चन देखा जाए तो इसका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, देखो नेशनल एम्बलम पूछा है, बी आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है ए। ओके गूगल कर लेना एक बार। तो अब 34th क्वेश्चन की बात करें तो एनालॉगस कलर स्कीम क्या है, तो इसका सही आंसर है बी। ओके 35th क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज राइट एंगल, तो इसका सही आंसर है सी, एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। 36th क्वेश्चन की बात करें तो देवनागरी इज अ डैश, तो इसका सही आंसर है सी, स्क्रिप्ट है वो। ओके स्टाइल ऑफ राइटिंग कैलीग्राफी होता है, ठीक है बता दूं मैं आप लोग एक्स्ट्रा। 37th क्वेश्चन की बात करें तो सिंबल किससे बनाया, तो इसका सही आंसर है सी, उदया कुमार। ओके 38th क्वेश्चन की बात करें तो ये पेंटिंग जो आप देख रहे हो उसके आर्टिस्ट कौन है, तो इसका सही आंसर है ए। ओके 39th क्वेश्चन की बात करें, लावनी कौन से स्टेट का फोक थिएटर है, ओके तो इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछता हूँ, आपके स्टेट का कौन सा फोक थिएटर है, कमेंट करके ज़रूर बताना। 40th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ओके